हेलो एंड वेलकम टू एक लव यज दिस इज़ पूर्णिमा एंड इन टुडेज वीडियो एंड द टुडेज पॉइंट ऑफ डिस्कशन वुड बी एम बी बी एस इन बल्गेरिया फॉर द इंटेक टू थाउजेंड ट्वेंटी फ़ोर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के बहुत सारे क्वेश्चन हैं स्पेशली टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर इनटेक के एडमिशंस के लिए बिकॉज एन एम सी ने काफी सारी चीज़ें चेंज करी हैं काफ़ी सारी गाइडलाइंस आई हैं बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ भी ओपन हुई हैं अब्रॉड में तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए ताकि आपको मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एम बी बी एस इन बल्गेरिया की सक्रिय कर पाऊँ तो जैसा कि आप जानते हैं एम बी बी एस अब्रॉड से जुड़ी हुई सारी इन्फॉर्मेशन मैं कोशिश करती हूँ यूट्यूब चैनल पर डालने की और काफ़ी हद तक बल्गेरिया की इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने मेरे एम बी बी एस अब्रॉड के चैनल पर देख पाई होगी और आज मैं एम बी बी एस इन बल्गेरिया की वो सारी इन्फॉर्मेशन जो 2024 थाउजेंड ट्वेंटी फोर इनटेक से जुड़ी हुई है इस वीडियो में देना चाह रही हूँ और आई वुड ऑल्सो वॉन्ट यू गाइज टू लाइक द वीडियो शेयर इट एज सून एज मच एज पॉसिबल विद इन योर फ्रेंड्स विद इन योर फैमिली सो दैट एवरी स्टूडेंट विल गेट बेनिफिट आउट ऑफ इट एंड प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आर यूट्यूब एक लव तो गाइज बुल्गेरिया जैसा कि आप जानते हैं यूरोपियन यूनियन का पार्ट है और रिसेंटली अप्रैल फर्स्ट से बल्गेरिया ने भी रोमेनिया के साथ शेंजन वीज़ा टाइप सी इशू करना शुरू करा है क्योंकि बल्गेरिया और रोमेनिया दोनों ही शैंजन जोन में एंट्री कर चुके हैं तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है एम बल्गेरिया से करने का मैं एडवांटेजेस आपके साथ इस वीडियो के एंड में शेयर करूंगी कि बल्गेरिया से ही क्यों आपको एम करना चाहिए तो डोंट फॉरगेट टू तो वॉच दिस वीडियो टिल एंड क्योंकि इसमें वो सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स एक यूरोपियन यूनियन से एम करने के क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं एडमिशन क्राइटेरिया क्या होता है एज लिमिट क्या है यूनिवर्सिटीज़ कौन सी हैं क्या बजट हो सकता है तो वो सारे पॉइंट्स इस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया बल्गेरिया यूरोपियन यूनियन का और एक शनजन मेंबर का पार्ट है तो उसका अपना एक एडवांटेज सबसे बड़ा ये है कि आपकी डिग्री का रिकग्निशन बहुत अच्छा होगा ऑल ओवर द वर्ल्ड आपकी डिग्री पूरे वर्ल्ड में वैलिड है आप कोई भी किसी भी कंट्री का लाइसेंस एग्जाम दे सकते हैं लाइसेंसीड एग्जाम दे सकते हैं जस्ट लाइक यू एस एम एल ई पी लैब और एनी अदर लाइसेंस एग्जाम ऑफ कंट्रीज इसके अलावा जो एक सबसे बड़ा एडवांटेज है यूरोप से एम बी बी एस करने का वो ये है कि विद इन यूरोप आप एक इरासमस एक्सचेंज प्रोग्राम का भी पार्ट होते हैं और उसके थ्रू आप पूरे यूरोप में कहीं भी प्रैक्टिस कर सकते हैं जस्ट बाई क्वालिफाइंग द लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंट्री विद इन यूरोप तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस हैं यूरोप से एमबीबीएस करने के तो बल्गेरिया अगर जैसा कि हम जानते हैं एक तीसरा और एडवांटेज यहाँ पर शेयर करना चाहूँगी वो है कंप्लीट एक्सपेंसेस ऑफ़ एम तो यहाँ पर बल्गेरिया में मैं ये नहीं कहूँगी कि बल्गेरिया में लो कॉस्ट एम आप कर सकते हैं ऐसा नहीं है अनलाइक रोमनिया और अनलाइक दी अदर कंट्रीज लाइक जॉर्जिया रशिया बेलारूस बल्गेरिया क्योंकि यूरोप का पार्ट है तो यहाँ पर डेफिनेटली आपकी जो लिविंग कॉस्ट है कंपेरेटिवली हाई है ट्यूशन फीस भी यूनिवर्सिटीज़ की ऑलमोस्ट एट थाउजेंड नाइन थाउजेंड यूरोज़ के आसपास आती है पर एन बट स्टिल अगर आप इसको कंपेयर करेंगे वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ से लाइक like पोलैंड और हंगरी और चेक रिपब्लिक तो इन कंट्रीज से कंपैरिजन में कंपैरेटिवली बल्गेरिया में आपको कॉस्ट इफ़ेक्टिव अपना एम मिलेगा भले ही आप कोई भी यूनिवर्सिटीज से एम बी करते हैं यहाँ पर टॉप फोर मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ से आप अपना एम अप्लाई कर सकते हैं एम में एडमिशन ले सकते हैं बाई क्वालिफाइंग दी एंट्री रिक्वायरमेंट्स और बाई प्रूविंग योर एलिजिबिलिटी टुवर्ड्स योर एम बी एप्लीकेशन इन एनी ऑफ द मेडिकल यूनिवर्सिटी इन रोमेनिया चलिए अब नेक्स्ट मैं यहाँ पर बात करने वाली हूँ हमारी एन गाइडलाइंस की तो नेशनल मेडिकल कमीशन ने जैसा कि हम सब जानते ही हैं काफ़ी सारी गाइडलाइंस इशू करी थी उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो अब्रॉड से एम करना चाहते हैं तो इस वीडियो में एन की सारी गाइडलाइंस मैं डिस्कस करूँगी जिससे कि आपको ये पता लगेगा कि बल्गेरिया क्यों एक बेहतर ऑप्शन आपके लिए हो सकता है अगर आप एम करने के बाद वापस इंडिया में आकर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो तो सबसे बड़ा फैक्टर और सबसे बड़ी गाइडलाइंस जो अभी काफ़ी ज़्यादा इंडिया में बच्चों के दिमाग में काफ़ी काफ़ी जो कन्फ्यूजन क्रिएट किए हुए हैं वो है सबसे बड़ा लाइसेंसिंग का क्लॉज और लाइसेंसिंग का क्लॉज क्या कहता है कि जिस कंट्री से आप अपना एमबीबीएस करते हैं वहाँ पर आपको लाइसेंस टू प्रैक्टिस होना चाहिए फॉर एग्जांपल अगर आप रशिया से एमबीबीएस कर रहे हैं तो आपके आप रशिया से एमबीबीएस करने के बाद आपको वहाँ का लाइसेंस टू प्रैक्टिस मिलना चाहिए तभी आप इंडिया में आकर के इंडिया का लाइसेंस एग्ज़ाम दे सकते हैं अदरवाइज़ आप एलिजिबल नहीं होंगे तो बल्गेरिया में जानते हैं कि क्या क्लॉज है चलिए बल्गेरिया की जो मेडिकल काउंसिल है उन्होंने क्लियरली ये चीज़ बोली है और ऐसा नहीं है अभी से उन्होंने रूल्स चेंज किए हैं आफ्टर चेकिंग दी एन गाइडलाइंस स्टार्टिंग से ही बल्गेरिया में ये चीज़ फॉलो होती है कि स्टूडेंट्स को कोई भी लाइसेंस एग्जाम नहीं देना पड़ता टू बिकम एलिजिबल टू लाइसेंस टू प्रैक्टिस और सबसे बड़ी बात जो डिग्री यहाँ पर मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ बच्चों को प्रोवाइड करती हैं दैट इज़ ऑलमोस्ट नॉट ऑलमोस्ट दैट इज एज सेम एज़ फॉर ऑल अदर इंटरनेशनल एज वेल एज दी बल्गेरियन स्टूडेंट्स तो डिग्री भी आपकी इक्वली वैलिड है डिग्री आपकी सेम है एंड अदर थिंग इज कि आपको मास्टर्स की डिग्री प्रोवाइड की जाती है यूनिफाइड मास्टर्स की डिग्री आपको अगर आप बल्गेरिया से एमबीबीएस करते हैं तो अवार्ड की जाती है इसके अलावा लाइसेंस का कोई एग्जाम नहीं है आप अपना एमबीबीएस का पूरा फाइनल uh, सेमेस्टर का एग्ज़ाम देने के बाद जो कि वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट बनाती है उसको क्लियर करने के बाद आपको अपनी डिग्री मिलती है एंड देन उसके बाद आप पूरे बल्गेरिया में कहीं पर भी एलिजिबल होते हैं प्रैक्टिस करने के लिए दैट मीन्स यू विल हैव द लाइसेंस टू प्रैक्टिस इन बल्गेरिया अगर आप वहाँ से अपना एम बी एस करते हैं तो आई डोंट थिंक देर इज़ एनी कंट्री इन द वर्ल्ड जो आपको इतना बड़ा एडवांटेज ऑफर करेगी बींग एन इंडियन एम बी बी एस स्टूडेंट जो ये देखना चाहता है कि इंडिया में वो वापस आने के ऑप्शन भी ओपन रख पाए तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग अबाउट बल्गेरिया जहाँ से आप अपना एम बी बी एस कर सकते हैं By getting license to practice very easily. Now moving ahead with the other NMC guidelines, जो है अपनी language के बारे में कि course पूरा English medium में होना चाहिए. तो Bulgaria में Bulgarian universities कोई भी bilingual नहीं है पहली चीज. यहाँ पर सारी universities completely English में language of instructions जो है MBBS का पूरा throughout English रहता है, from first to sixth year.

तो एम बी बी एस की ड्यूरेशन फाइव पॉइंट एट ईयर्स है बल्गेरिया में विच इंक्लूड्स ट्वेल्व मंथ्स ऑफ क्लिनिकल आपकी क्लर्कशिप बोल सकते हैं आप इंटर्नशिप बोल लीजिए स्टेट इंटर्नशिप बोल लीजिए जो कि पूरे एक साल की लास्ट ईयर में करवाई जाती है और स्टार्टिंग के आपके 4.8 पॉइंट ईयर्स होते हैं कम्प्लीटली एम के लिए जिसमें आपकी तीन साल की क्लिनिकल रोटेशन और बाकी के आपकी थ्योरेटिकल प्रैक्टिस के लिए तो ओवरऑल बल्गेरिया एक ऐसा कंट्री है जो एन के सारे गाइडलाइंस फॉलो करता है

बट यहाँ पर हम मेन यूनिवर्सिटीज़ की बात करेंगे विच इज़ पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ तो वो मेन चार यूनिवर्सिटीज़ हैं मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑफ़ सोफिया मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑफ़ वारना मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑफ प्लेवन एंड मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑफ क्लोकदीप तो इन चारों यूनिवर्सिटीज़ का चलिए बजट डिस्कस करते हैं तो ओवरऑल एक आपको रफ़ मैं आइडिया दे देती हूँ मिनिमम ट्यूशन फ़ीस जैसा कि मैंने अपनी वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि जो ट्यूशन फ़ीस स्ट्रक्चर है पर ईयर का वो मिनिमम आपका यहाँ पर एट थाउजेंड यूरोज़ है इससे कम में कोई यूनिवर्सिटी आपको एम की पर एनुअल बेसिस पर ट्यूशन फ़ीस ऑफर नहीं करेगी तो आप एक इन जनरल कंसिडर करके चलेंगे मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑफ सोफिया की अगर मैं बात करूँ तो इनकी जो एनुअल ट्यूशन फ़ी है दैट इज़ नाइन थाउजेंड यूरोज़ पर ईयर एंड द लिविंग कॉस्ट विल कम अराउंड फाइव थाउजेंड यूरोज़ पर ईयर विच इंक्लूड्स योर अकोमोडेशन फूड एंड देयर मे बी सम एडिशनल एक्सपेंसिस लाइक योर वीज़ा एक्सटेंशन एंड द मेडिकल इंश्योरेंस दैट विल बी जस्ट अराउंड टू हंड्रेड और थ्री हंड्रेड यूरोज़ सो ओवरऑल यहाँ पर आपका जो बजट आता है आता है अप्रोक्सीमेटली सेवेंटी फाइव लैक्स इन इंडियन करेंसी सो दिस इज दजट ऑफ मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑफ सोफियां दम्पलीट एक्सपेंडिचर्स ऑफ योर होल एम बी बी एस ड्यूरेशन कमिंग टूवर्ड्स वारना मेडिकल यूनिवर्सिटी फर्स्ट ईयर वारना मेडिकल यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फीस है नौ हज़ार यूरोज पर ईयर एंड फ्राम सेकंड टू सिक्स ईयर इट विल बी एट थाउजेंड यूरोज पर ईयर एंड द लिविंग कॉस्ट विल रिमेन सेम बिकॉज सिटी वाइज यहाँ पर ओवरऑल एकोमोडेशन या फ़ूड की कॉस्ट कैलकुलेट की जाती है क्योंकि दोनों ही सिटीज़ काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड हैं काफ़ी ज़्यादा एडवांसड हैं तो यहाँ पर ट्यूशन फीस की को के अलावा हम बाकी एक्सपेंसिस की बात करेंगे लाइक योर लाइफ स्टाइल लाइक योर अकोमोडेशन प्लस फूड तो दोनों का खर्चा ऑलमोस्ट सेम आएगा सोफिया में भी और वारना में भी तो वारना में, तो में भी आपकी अराउंड फाइव थाउजेंड यूरोज़ पर ईयर के हिसाब से आपकी लिविंग कॉस्ट आती है बट क्योंकि सेकेंड टू सिक्स ईयर आपको एट थाउजेंड पे करना पड़ रहा है तो यहाँ पर बजट सोफिया के कम्पेरिजन में पाँच लाख रुपए आपका सेव हो रहा है तो जो टोटल कॉस्ट आएगी एम की वो है सेवेंटी लाख चलिए बात करते हैं प्लॉवदीव मेडिकल यूनिवर्सिटी की इसका पूरा फीस स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग अकोमोडेशन फूड ट्यूशन फीस सब कुछ सोफिया मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑफ सोफिया जितना है क्योंकि ये बहुत अच्छी मेडिकल यूनिवर्सिटी कंसिडर की जाती है अदर देन सोफिया एंड ऑफ दिव ऑल्सो वन ऑफ द हाईली डेवलप्ड सिटीज और ये काफ़ी पुरानी मेडिकल यूनिवर्सिटी कंसिडर की जाती है यहाँ पर अगर आप स्टूडेंट्स देखेंगे देर आर मैक्सिमम स्टूडेंट्स हु कम्स फ्राम यू के फ्राम कैनडा जस्ट टू स्टडी एम बी एस बिकॉज द बल्गेरियन यूनिवर्सिटीज आर ऑफरिंग एम बी एस विद इन लो फीस स्ट्रक्चर एज कंपेयर टू दडिकल यूनिवर्सिटीज इन यू के इन कैनडा और एनी वेयर इन दी वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज तो दिस इज ऑल्सो अनदर एडवांटेज टू स्टडी और एम बी बी एस फ्रॉम बल्गेरिया सो द ट्यूशन फी ऑफ लॉब इज नाइन थाउजेंड यूरोज एंडोमोडेशन एंड फूड विलयर सो दिल नाउ द लास्ट यूनिवर्सिटी प्लेवन मेडिकल यूनिवर्सिटी ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसमें एडमिशन प्रोसीजर भी काफी हद तक ईजी है एंड मैनी इंडियन स्टूडेंट अगर आप देखना चाहेंगे तो इस यूनिवर्सिटी में मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स आज के टाइम पर अपनी एम बी बी एस परू कर रहे हैं अदर देन दिस द ट्यूशन फी इज 8,500 यूरोस पर ईयर एंड अकोमोडेशन एंड फूड विल बी 5,000 यूरोस पर ईयर सो द कंप्लीट बजट ऑफ एमबीबीएस विल कम आउट अराउंड 70 लैक्स आईएनआर व्हिच इंक्लूड्स योर ओवरऑल एक्सपेंडिचर्स ऑफ एमबीबीएस तो ये थी यूनिवर्सिटीज़ की बात उनके पैकेजेस की बात इनके बेसिस पर आप डिसाइड कर सकते हैं और अगर मैं आपको एक वीडियो कंक्लूड करूं तो बजट वाइज ऑलमोस्ट सारी यूनिवर्सिटीज़ सेम ही में लाई करती हैं फ्रॉम 70 टू 75 फाइव लैक्स तो ये रफली एक कॉस्ट आती है आपकी एम करने की बल्गेरिया से इसके अलावा अगर यहाँ पर हम देखें एडमिशन एलिजिबिलिटी की कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है और एडमिशन की रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं तो सबसे पहले दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं बल्गेरिया का अगर आप एडमिशन प्लान कर रहे हैं तो सबसे पहले नंबर पे आपको देखना है आप एलिजिबल हैं या नहीं तो वो कैसे देखेंगे आपके ट्वेल्थ में केमिस्ट्री और बायोलॉजी में मिनिमम 62 टू परसेंटेज होने चाहिए इंडिविजुअली तभी आप एलिजिबल होंगे बल्गेरिया में एप्लीकेशन डालने के लिए इट्स नॉट अ रिक्वायरमेंट बाई द यूनिवर्सिटी इन नन ऑफ द यूनिवर्सिटी विल आस्क दिस रिक्वायरमेंट इट इज़ द रिक्वायरमेंट बाई द मेडिकल एजुकेशन इन बल्गेरिया एंड अदर दैन दैट इसके अलावा एक और रिक्वायरमेंट है नीट की तो है ही बिकॉज अगर आप नीट के एग्जाम को क्वालिफाई नहीं करते हैं यू विल नॉट बी एबल टू प्रैक्टिस इन इंडिया सो नीट इज़ इज अनदर एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट इसके अलावा यूनिवर्सिटी की एंट्रेंस एग्जाम्स सो यू नीड टू पास यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम प्लस इंटरव्यू बिकॉज सम ऑफ द यूनिवर्सिटीज विल आल्सो टेक इंटरव्यूज द पर्सनल इंटरव्यूज विच विल भी हेल्ड इन इंग्लिश टू चेक द लैंग्वेज प्रोफिशंसी ऑफ कैंडिडेट एंड द एग्जाम बी इन केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी टू चेक द सब्जेक्ट नॉलेज इन केमिस्ट्री एंड इन बायोलॉजी तो ये रिक्वायरमेंट्स भी आपको पहली फुलफिल करनी है तभी आप हंड्रेड परसेंट किसी भी यूनिवर्सिटी में सीट लेने के लिए रजिस्ट्रेबल होंगे अब नाउ दर इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच आई वुड लाइक टू डिस्कलोज विदी स्टूडेंट्स नॉट मेनी स्टूडेंट एक्चुअली ऑल द स्टूडेंट्स दे हैव डाउट दे हैव कन्फ्यूजन विद रिगार्ड टू देशन प्रोसीजर्स बिकॉज जैसा कि हम बाकी कंट्रीज़ में देखते हैं पोलैंड में देखते हैं हंगरी में देखते हैं या रशिया में देखते हैं जॉर्जिया में देखते हैं एडमिशन प्रोसीजर्स काफ़ी सिंपल और स्मूथ रहता है जो कि टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं होता बट वेन वी टॉक अबाउट बल्गेरिया यहाँ पर अगर हम बल्गेरिया की किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की बात करते हैं तो यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ की डेडलाइंस ही विद इन जुलाई होती है एंड फॉर द ईयर टू जो डेडलाइंस है सारी यूनिवर्सिटीज़ की चारों यूनिवर्सिटीज़ की विल बी बाई ऑफ जुलाई एंड इट डजेंट मीन की यू कैन अप्लाई बाई फिफ्टी ऑफ जुलाई बिकॉज टू अपलाई इन अ यूनिवर्सिटी आपके डॉक्यूमेंट सारे लीगलाइज होने चाहिए आपके पास सिक्वलेंसी सर्टिफिकेट होना चाहिए बल्गेरिया की मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के थ्रू जिसमें ऑलमोस्ट वन पॉइंट फाइव मंथ्स का टाइम जाता है एंड यू नीट टू ट्रांसलेट द डॉक्यूमेंट यू नीट टू वोट यू नी टू गेट दैम एम्बसी सर्टिफाइड सो बहुत सारी चीज़ें होती हैं लीगलाइजेशन प्रोसीजर बहुत लंबा होता है जो कि अप्रॉक्सीमेटली डेढ़ से दो महीने का टाइम ले लेता है देन ओनली यू विल बी एबल टू अप्लाई इन द यूनिवर्सिटीज़ इन बल्गेरिया तो ऐसा प्रोसीजर है बल्गेरिया में यूनिवर्सिटीज़ का एम की एप्लीकेशन के लिए इसके अलावा अप्लाई करने के बाद यूनिवर्सिटी विल सी योर एलिजिबिलिटी इफ़ यू आर एलिजिबल और नॉट एंड देन ओनली यू विल बी एबल टू सिट फॉर द एंट्रेंस एग्जाम एंड देन फाइनली यू विल गेट द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस यू हैव टू पे द ट्यूशन फी टू द यूनिवर्सिटी एंड देन वील फाइनली अप्लाई फॉर द वीज़ा So this is how the application procedure goes if you would like to apply in any of the university in Bulgaria. Now coming toward the final part of the video which will be that why you should choose Eklave Overseas to get your application done or to get your application completed in Bulgaria. There are many benefits if you choose Eklave Overseas as your uh, consultant as your primary consultant to apply your application in Bulgaria the number one reason is that we do have our own office in bulgaria we have a branch office in sofia wherein our representative will be able to submit all the necessary documents in the medical university and will be able to cater all the requirements by the medical university and will definitely helpful to our students to provide end-to-end -end service support in the bulgaria second advantage will be the application procedure we'll try to manage the application procedure that goes very smooth in an efficient manner. Although, like I have told you, that the application procedure is not simple in Bulgaria, it will at least take 4 to 5 months in total to get you uh, finally enrolled in the university and to get the visa on time. So, that's why I'm emphasizing a lot towards the application of medical universities in Bulgaria to apply it before time so that we would be able to get you the university enrolled on time. The another advantage of choosing Eklave overseas is that we will help you in giving you free counseling we will help you in guiding you in choosing the best possible medical university for you and will also help you to prepare for the entrance exam of medical universities in bulgaria so these are some of the advantages that you are going to get if you choose our services to complete your application procedures in bulgaria and the one more advantage uh, so far I remember is that we'll also manage with the embassy appointments in a very quick manner and we'll try to manage with the visa procedures to get the study visa very quickly. So, these are all the services that we are going to provide you and you can take advantage of that. If you have any questions related to MBBS in Bulgaria for academic year 2024, please feel free to contact us you are I'm sure you are uh, checking the numbers on the screen and definitely you can give us a call on any of the numbers mentioned below and feel free to call us feel free to message us on our Instagram page as well do follow us on Instagram to get to know the very quick updates about MBBS abroad. I hope you have enjoyed this information do like share and subscribe.